सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऋण मोचन योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह मथुरा पहुंचे। किसानों से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री ने किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले किसानों ने इस कदम को सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए सरकार से सूखा राहत के लिए भी अनुदान राशि दिए जाने की मांग की। ने सरकार का अच्छा कदम है और अच्छा कदम बहुत बढ़िया सरकार के सब कदम बढ़िया है, लेकिन समझ में आ रहे इनकी जरूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत फायदा मिलो किसानों ने और काम लोग जाते ज़्यादा। कितना रुपया माफ? 1,00,000 रुपया। कितना नुकसान था? नुकसान तो ढेर नुकसान ही नुकसान हो, नुकसान की कोई भरपाई तो रह रही है पूरे की, पर जितना है रहो उतना बढ़िया आई है। हाँ ये खूब संतुष्ट है, जो उन्हें मिलते जाओ संतुष्ट है भैया, संतुष्ट तो संतुष्ट है, सूखा के और कर दें तो और बढ़िया संतुष्ट देंगे। बारिश वही ना सबन पता हो, फसल मर गई किसान की बात सूखा के और होने चाहिए। बहुत अच्छा या तो और अच्छा का होगा, ऐसी सरकार बनती रहे ऐसी फायदा करती रहे किसान नक्काज। वहीं दूसरी ओर प्रभारी मंत्री ने मीडिया के माध्यम से किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने केसीसी खातों को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है वे जल्द ही अपने खाते लिंक करवा लें और इस योजना का लाभ उठाएँ। चिन्हित किए गए कितने बांटेंगे पहली किस्तों में? 1,08,644 इस योजना में ऋण मोचन की पूरे ज़िले से किसान आए हैं और प्रथम चरण में हम लोगों ने 15,602 लोगों को सर्टिफिकेट बांटे हैं। 122 करोड़ रुपए आज शेष किसानों को दूसरे चरण में 20,790 ऐसे किसान हैं जिन्हें केसीसी खाते को लिंक नहीं कराया है और उन सब से निवेदन किया गया है कि अविलंब अपने आधार को लिंक कराकर इस योजना में सम्मिलित हो जाएं, जिससे आगे जो हमारे ऋण मोचन इस योजना का लाभ उन्हें सार्थकता के साथ मिल सके। चंद पटेल की रिपोर्ट।